कहानी की शुरुआत एमराल्ड सिटी से होती है, जहाँ पे हम तीन दोस्त लॉयन, टिनमैन और बिजुका को देखते हैं, जो एमराल्ड सिटी को लेकर काफी चिंतित थे क्योंकि उनकी सिटी के ऊपर कोई खतरा आने वाला था और इसीलिए वो लोग अपने किसी दोस्त डोरोथी को बुलाना चाहते थे क्योंकि वो उनकी पहले भी मदद कर चुकी है एक चुड़ैल को मारकर। बिजुका अपने दोस्तों के साथ एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ वो एक रेनबो मशीन के माध्यम से डोरोथी से संपर्क करने की कोशिश करता है और वहीं हम डोरोथी को देखते हैं जो अपने घर में सो रही होती है और तभी उसका डॉग टोटो आकर उसे जगाता है। वो उठ कर देखती है कि उसके घर की छत टूटी हुई है तो वो भागती हुई अपने घर से बाहर आती है, पर बाहर वो देखती है कि सब कुछ टूट कर बिखरा हुआ है, जिसे देखकर वो काफी दुखी होती है। तो उसके अंकल और आंटी उसे समझाते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर वो अपने घर को छोड़कर जाने से मना करती है और तभी वहाँ पर एक गवर्नमेंट का ऑफिसर आता है जो सभी को उस आपदा वाली जगह को खाली करने का आदेश देता है, पर डोरोथी वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। तो वो आदमी उसे गवर्नमेंट का एक कागजात दिखाता है और उन्हें वो जगह खाली करने के लिए कहते हुए वहाँ से चला जाता है। डोरोथी के अंकल भी उसे समझाते हैं कि उनके यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, लेकिन वो अब भी जाने से इनकार करती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने आसपास के टूटे हुए घरों को देखकर काफी दुखी हो रही थी, इसीलिए वो अपने डॉगी टोटो के साथ जाकर एक शांत जगह पर बैठ जाती है, पर तभी टोटो कुछ देखकर भौंकने लगता है और जब डोरोथी पीछे देखती है तो वहाँ पर एक खूबसूरत सा रेनबो होता है जो लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर वो रेनबो उनका पीछा करता है और वो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उस रेनबो के अंदर उसे बिजुका और उसके दोस्त मिलते हैं। बिजुका उसे बताता है कि उसने ही रेनबो का आविष्कार किया है और आज उन्हें डोरोथी की जरूरत है क्योंकि ऑज शहर में परेशानी आने वाली है और उस परेशानी को सिर्फ वही दूर कर सकती है। पर तभी उनके मशीन में कुछ खराबी आती है और उनका डोरोथी से संपर्क टूट जाता है। दरअसल उस रेनबो में बिजुका और उसके दोस्तों का होलोग्राफिक इमेज था। जैसे ही उनका डोरोथी से संपर्क टूटता है वहाँ पर कुछ उड़ने वाले बंदर आ जाते हैं। उधर डोरोथी ऑज शहर में पहुँच चुकी थी और वो वहाँ की प्रिंसेस ग्लिंडा को ढूंढने लगती है, लेकिन ग्लिंडा को वो उड़ने वाले बंदर किडनैप करके जादूगर जेस्टर के पास ले आते हैं। जेस्टर ग्लिंडा को देख कर काफी खुश होता है, पर ग्लिंडा को उसे देख कर उस पर हंसी आती है क्योंकि जेस्टर एक जोकर के कॉस्ट्यूम में था। दरअसल वो जोकर का कॉस्ट्यूम उसके लिए एक अभिशाप था जो उसे उसकी बड़ी बहन ने दिया था। वो कभी भी उस कॉस्ट्यूम को नहीं निकाल सकता था, चाहे वो उसे निकालने की कितनी भी कोशिश कर ले। वो ग्लिंडा को खुद पर हंसता हुआ देखकर काफी गुस्सा होता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि ऑज शहर में जो कुछ भी बर्बादी हो रही है उसके पीछे जेस्टर ही है क्योंकि वो वहाँ का शासक बनना चाहता है और ग्लिंडा को वो अपना सहायक बनाना चाहता है, लेकिन ग्लिंडा जेस्टर की बात मानने से इनकार कर देती है और वो उससे कहती है कि तुम कभी भी अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि डोरोथी ऑज शहर को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी। ये बात सुनकर जेस्टर गुस्से में आ जाता है और ग्लिंडा को अपने जादू की मदद से एक कठपुतली बना देता है और उसे भी बाकी लोगों की तरह ही वहाँ पर कैद कर देता है। इधर बिजुका अपने दोस्तों के साथ उन बंदरों के डर की वजह से छुपा होता है और वो बंदर बिजुका का मशीन और उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। उधर जेस्टर अपने मैजिक बॉल से डोरोथी को देखता है और उन उड़ने वाले बंदरों को एमराल्ड सिटी से बिजुका और उसके दोस्तों को पकड़कर लाने के लिए भेजता है। डोरोथी ऑज शहर से एमराल्ड सिटी पहुंचने वाली होती है, तभी वहाँ उसे वाइजर नाम का एक आउल मिलता है जो उड़ नहीं सकता था क्योंकि वो काफी मोटा था। वो डोरोथी से काफी बात करने के बाद जब वहाँ से जाने लगता है तो डोरोथी वाइजर से एमराल्ड सिटी जाने वाले रास्ते के बारे में पूछती है, तो वाइजर डोरोथी को लेकर एमराल्ड सिटी की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल वाइजर वहाँ के हर जगह से वाकिफ होता है। वो डोरोथी को एक बर्फीले रास्ते से लेकर जाता है जहाँ पे बहुत सारी कैंडी होती है, लेकिन वहाँ के रूल के मुताबिक कोई भी उन कैंडी को खा नहीं सकता था। लेकिन जादूगर जेस्टर अपने जादू की मदद से वहाँ के नोटिस बोर्ड पर ये लिख देता है कि आप जितना चाहे उतना कैंडी खा सकते हैं, और जब डोरोथी और वाइजर ये लिखा देखते हैं तो वो कैंडी पर टूट पड़ते हैं और वो दोनों मिलकर खूब कैंडी खाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उस एरिया का ऑफिसर मार्शमेलो आ जाता है और उन्हें कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। तो डोरोथी कहती है कि हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ऑफिसर मार्शमेलो डोरोथी को नो ईटिंग का बोर्ड दिखाता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि इससे पहले वो वहाँ पर नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उस ऑफिसर के साथ जाना पड़ता है। इधर बिजुका अपने दोस्तों के साथ उन बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदर उन पर हमला कर देते हैं तो वो लोग उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और एक कपड़े की मदद से वो हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो बंदर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़कर जेस्टर के पास ले आते हैं। इधर डोरोथी और वाइजर को वहाँ का जज कैंडी खाने के जुर्म में मौत की सजा सुनाता है, जिसे सुनकर डोरोथी काफी हैरान होती है
उनके मौत का प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनसे उनका नाम पूछा जाता है। तो वाइजर अपना और डोरोथी का नाम बताता है। डोरोथी का नाम सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि डोरोथी जेस्टर के डायन बहन को मारने के बाद काफी फेमस हो गई थी। जज को जब पता चलता है कि ये वही महान लड़की डोरोथी है जिसकी वजह से ऑज सबसे महान राज्यों में से एक बना है, तो जज उन्हें छोड़ने का ऑर्डर देता है। जज के इस फैसले से कोर्ट में उपस्थित सभी लोग काफी खुश होते हैं। कोर्ट के बाहर मार्शमेलो डोरोथी से माफी मांगता है, तो वो मार्शमेलो को एमराल्ड सिटी चलने के लिए निमंत्रित करती है। ये बात सुनकर मार्शमेलो काफी खुश होता है और वो भी उनके साथ ही सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें चीन का बॉर्डर मिलता है, जहाँ चीन का एक सिपाही उन्हें अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि यदि वो अंदर जाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें चीन की राजकुमारी की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस समय राजकुमारी अपने एंगेजमेंट के लिए सूटर का स्वागत कर रही है, तो डोरोथी को एक आइडिया सूझता है। तो वो उस चाइनीज सिपाही से कहती है कि मार्शमेलो एक सूटर है जो राजकुमारी का हाथ मांगने आया है। ये बात सुनकर वो सिपाही उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। और जब वो लोग राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो वहाँ की खूबसूरती देखकर वो काफी हैरान होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सूटर राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर राजकुमारी डेंटी आती है जो काफी सुंदर होती है। राजकुमारी के आने के बाद सभी सूटर एक एक करके उससे शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था और इसीलिए वो उन्हें वहाँ से निकाल देती है। और अंत में मार्शमेलो की बारी आती है। वो काफी नर्वस होता है, इसीलिए राजकुमारी मार्शमेलो का मजाक उड़ाती है, लेकिन डोरोथी उसका हौसला बढ़ाती है। जिसके बाद मार्शमेलो राजकुमारी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गाता है, जिसको सुनकर राजकुमारी उससे काफी इम्प्रेस होती है। लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप के झटके आते हैं जिससे महल टूटने लगता है, और जैसे ही महल की दीवार का एक टुकड़ा राजकुमारी के ऊपर गिरने वाला होता है, मार्शमेलो उसे बचा लेता है। इससे राजकुमारी उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है, और इससे पहले कि महल पूरी तरह से गिरता सभी लोग वहाँ से बाहर आते हैं। वहाँ पे डोरोथी राजकुमारी से एमराल्ड सिटी तक जाने के लिए उनके राज से एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में पूछती है, तो राजकुमारी उनकी मदद करने से मना कर देती है। मार्शमेलो जब राजकुमारी को डोरोथी का नाम बताता है तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। राजकुमारी इसके बाद उनसे कहती है कि अभी हम आपातकाल की स्थिति में हैं और इसीलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। तभी राजकुमारी को याद आता है कि पहले जेस्टर कभी कभी भूकंप के छोटे झटके देता था, लेकिन अब इतनी बड़ी बर्बादी जेस्टर के किसी से नाराजगी बताती है। राजकुमारी को जब ये ख्याल आता है तो वो सब कुछ समझ जाती है और इन सबका जिम्मेदार वो डोरोथी को बताती है और उससे कहती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। डोरोथी राजकुमारी से कहती है कि वो किसी जेस्टर को नहीं जानती, वो तो बस एमराल्ड सिटी जाने की कोशिश कर रही है। राजकुमारी अपने राज्य की तबाही देखकर डोरोथी के साथ सफर पर चलने के लिए राजी हो जाती है। उधर जेस्टर के बंदर बिजुका और उसके दोस्तों को पकड़कर जेस्टर के पास ले आते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि किस प्रकार उसकी बहन ने उसे जोकर बना दिया, और इसके बाद वो लायन टिनमैन और बिजुका को बंदी बना लेता है। उधर डोरोथी राजकुमारी को लेकर एमराल्ड सिटी के नदी के पास पहुँचती है, तो वो देखती है कि वहाँ का ब्रिज टूटा हुआ है और इसीलिए वो लोग एक बोट बनाने का डिसाइड करते हैं। बोट बनाने के लिए जब डोरोथी एक पेड़ से लकड़ी तोड़ती है तो वहाँ के पेड़ से लकड़ी तोड़ने से मना करते हैं और वो पेड़ उन्हें अपने फल से मारकर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन वहाँ का एक बूढ़ा पेड़ उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो लोग उसकी लकड़ियों से एक बोट बनाने लगते हैं। और इसी बीच एक चूहे का झुंड उसी रास्ते से जा रहा होता है, तो वो लोग भी मिलकर उनकी नाव बनाने में मदद करते हैं, और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो एक नाव बना लेते हैं और वो सब नदी के रास्ते एमराल्ड सिटी की ओर निकल जाते हैं। और जब वो लोग एमराल्ड सिटी पहुंचते हैं तो डोरोथी उस सिटी को देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि वो सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सभी लोग बिजुका के एक्सपेरिमेंट रूम में जाते हैं, जहाँ बिजुका के मशीन से डोरोथी को एक मैसेज मिलता है जिसमें बिजुका डोरोथी से मदद मांग रहा था। तभी वहाँ पे जेस्टर आता है जो डोरोथी को उसके दोस्तों को दिखाता है जिन्हें उसने बंदी बना लिया था। इसके बाद वो डोरोथी को वहाँ से वापस चले जाने को कहता है, पर वो वापस जाने से मना कर देती है। इस पर जेस्टर अपने बंदरों के द्वारा उन पर हमला कर देता है, तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और अपनी नाव को लेकर वो एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ वो बंदर जाने से डरते थे, और इस प्रकार वो लोग अपने आप को उन बंदरों से बचा लेते हैं। गुफा में काफी अंधेरा होता है, तभी उन्हें वहाँ जुगनुओं का एक झुंड दिखाई देता है जो वहाँ पर उजाला कर देते हैं, और वो जुगनू उन्हें आगे बढ़ने में गाइड भी करते हैं, और वो लोग उनके बताए गए डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जुगनू नहीं बल्कि जेस्टर है जो उन्हें गलत डायरेक्शन में ले आया। उस गुफा से निकलने के बाद वो देखते हैं कि उनकी बोट खाई में गिरने वाली है,
तो वो जल्दी से बोट को मुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण बोट नहीं मुड़ पाती और वो खाई में गिर जाते हैं। कुछ समय के बाद जब उन लोगों को होश आता है तो वो लोग अपने आप को एक नदी के किनारे पाते हैं और वो सभी लोग सही सलामत होते हैं, लेकिन गिरने की वजह से राजकुमारी टूट गई होती है जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। राजकुमारी की मौत से सभी लोग काफी दुखी थे और इन सब के लिए डोरोथी खुद को जिम्मेदार मानकर अकेले ही जेस्टर की महल की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए। वहीं जेस्टर जब डोरोथी को जिंदा देखता है तो वो काफी नाराज होता है और इस सब का जिम्मेदार वो उस मंकी को ठहराता है और गुस्से में आकर वो उसकी पंखों को छोटा कर देता है। इधर वाइजर और मार्शमेलो काफी उदास थे। वाइजर डोरोथी की मदद करने के लिए उड़ने की कोशिश करता है और किसी तरह वाइजर अच्छी तरीके से उड़ने लगता है और डोरोथी की मदद करने के लिए निकल जाता है। वाइजर के जाने से मार्शमेलो अकेला हो जाता है और वो टूटे हुए राजकुमारी को जोड़ने लगता है। जब मार्शमेलो राजकुमारी को पूरी तरीके से जोड़ देता है तो वो राजकुमारी जिंदा हो जाती है। राजकुमारी को वापस जिंदा देखकर मार्शमेलो काफी खुश होता है। डोरोथी जैसे ही जेस्टर के महल के पास पहुंचती है वहां पर एक वेलकम मैट आता है जो उसे और टोटो को लेकर महल के अंदर जाती है। महल के अंदर डोरोथी ग्लिंडा को देखती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ग्लिंडा जेस्टर के वश में है तो वो काफी दुखी होती है और वो वहां पर उन सभी लोगों को भी देखती है जिन्हें जेस्टर ने कठपुतली बना दिया था। इसके बाद डोरोथी अपने दोस्तों को देखती है जिन्हें जेस्टर ने बंदी बनाया था और थोड़ी देर में वहां पर जेस्टर भी आ जाता है और डोरोथी को वो ये याद दिलाता है कि किस प्रकार उसने उसकी बहन को मारा था। ये बात जब डोरोथी को पता चलती है कि वो चुड़ैल जेस्टर की बहन थी तो वो जेस्टर से माफी मांगती है, लेकिन जेस्टर उसे इसके लिए धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसकी बहन की मौत के बाद उसकी बहन की जादुई छड़ी उसकी हो गई थी। इधर ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरोथी का डॉगी टोटो जाकर एक रस्सी को काट देता है जिसकी वजह से जेस्टर एक कपड़े के अंदर फंस जाता है और तभी डोरोथी के दोस्तों को भी होश आ जाता है जो उससे मिलकर काफी खुश होते हैं और वहीं जेस्टर का मंकी मौका पाकर उसकी छड़ी को लेकर भागने लगता है और भागते हुए वो मंकी जेस्टर के टावर पर चला जाता है और उस छड़ी से मंकी अपने पंखों को पहले जैसा बड़ा कर लेता है। जब जेस्टर उससे छड़ी वापस मांगता है तो वहां डोरोथी पहुंच जाती है और वो भी मंकी से वो छड़ी मांगने लगती है जिससे वो मंकी कंफ्यूज हो जाता है और तभी वहां पर बिजू का अपने दोस्तों के साथ आता है और वो टिन मैन के हाथ से उस मंकी को मारता है जिससे वो जादुई छड़ी उसके हाथों से छूट जाती है और उस छड़ी से जादुई बॉल निकल कर नीचे गिर जाती है। और इधर डोरोथी टोटो को बचाने के चक्कर में वो भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वाइजर आ जाता है जो उन दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है। जेस्टर जादुई छड़ी के बॉल को लेने की कोशिश करता है लेकिन वो ले नहीं पाता। तभी वहां मार्शमेलो अपनी सेना लेकर आता है, पर तभी वहां पर जेस्टर की बंदर सेना भी आ जाती है और उन दोनों सेनाओं के बीच में एक खतरनाक युद्ध होता है जिसमें वो बंदरों को मार भगाते हैं, लेकिन इस फाइट के दौरान जेस्टर के हाथ वो जादुई बॉल लग जाता है तो वो उस जादुई बॉल से एक स्टॉर्म बनाता है। स्टॉर्म को देखकर सभी लोग दीवार की ओर छुपने लगते हैं, लेकिन डोरोथी उस स्टॉर्म से बचते हुए जेस्टर के पास चली जाती है और जैसे ही जेस्टर अपने जादुई छड़ी से डोरोथी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है वो उसकी जादुई छड़ी पकड़ लेती है और उन दोनों की छीना झपटी में वहां पर एक धमाका होता है और वो मैजिकल छड़ी डोरोथी के हाथ लग जाती है और इसी बीच जेस्टर उस स्टॉर्म में जाने लगता है, लेकिन डोरोथी उसे पकड़ लेती है और सभी लोग मिलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। जेस्टर स्टॉर्म से बचने के बाद डोरोथी से अपने किए की माफी मांगता है और इसी बीच डोरोथी उस जादुई छड़ी को नष्ट करके उसे स्टॉर्म में फेंक देती है, पर जेस्टर जादुई छड़ी को स्टॉर्म में जाता देखकर वो भी उसे स्टॉर्म में चला जाता है और इस प्रकार जेस्टर की मौत हो जाती है। और वहीं जेस्टर के कैद से आजाद होकर सभी लोग काफी अच्छा महसूस करते हैं और इसके बाद ग्लिंडा अपने जादू की मदद से डोरोथी को उसके घर पर छोड़ देती है। डोरोथी अपने घर वापस पहुंच जाती है, वो अपने अंकल और आंटी से वापस मिलकर बहुत खुश होती है। तभी वो देखती है कि सभी लोग उस जगह को छोड़कर वहां से जा रहे होते हैं तो वो सभी लोगों को अपना घर छोड़ने से मना करती है और उस गवर्नमेंट ऑफिसर का असली चेहरा सबके सामने लाकर उसे अरेस्ट करवा देती है। दरअसल वो कोई बहरूपिया था जो उन लोगों से उनकी जमीन हड़पना चाहता था। सभी लोग अपना घर वापस पाकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।